एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अचानक ही धरती कांपने से लोग दहशत में आ गए। भूकंप के आने का समय दोपहर 2:53 रहा। झटके काफी तेज थे। भूकंप के झटकों के कारण काफी देर तक धरती हिलती रही, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर खुले स्थान पर आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 4.6 थी। इसका मुख्य केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था एक अपने हॉर्स टैक्स के लिए, तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी, तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ ना हो, तो मैं दो सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे, मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है, तो उनको भी फील हुआ। और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही टेबल पे, तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है, फिर वो मेरे को पता लगा कि ना कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो, कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है वो। ये जो अभी का जो भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में आया, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया है वो हमारे जो दो प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं, अभी जनवरी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक आया है, जो कि 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग 2 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं रेड वाला जोन देख रहे हैं, ये 2 आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री, यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और ये भी जो है ये 6.2 का फिर ये अर्थक्वेक आया। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है, और ये कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है, और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसकी बियॉन्ड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री अर्थक्वेक आते रहते हैं। अगर ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहाँ कहाँ फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो अगर ये इसका अगर यहाँ पर देखें तो इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमिडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो पब्लिक से बहुत रिस्पांस आया। देखिए अब तक हमारे पास 1 घंटे बीत चुके हैं अर्थक्वेक के, 70 रिस्पांस आ चुके हैं। अगर इस रिस्पांस को देखा जाए इस मैप में तो कहां कहां से रिस्पांस आए, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये नेपाल में हमारा ईपी सेंटर था जो 6.2 का अर्थक्वेक है, तो अगर देखिए तो उत्तराखंड से आपके पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, दिल्ली में काफ़ी फेल्ट हुआ है, लखनऊ रीजन में, जयपुर रीजन में, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये अहमदाबाद रीजन में भी फेल्ट बता रहे हैं उनको फील हुआ है। मतलब ये शॉक इतनी बड़ी थी कि ये, क्योंकि जब ये बहुत सैलो थी तो एनर्जी जब पास की है तो लोगों को फेल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक कॉमन है, यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं, जिसे हम लोग अभी बता चुके हैं इसका पूर्वान तो कर नहीं सकते क्योंकि कोलिजन बाउंड्री है। तो हमें NDMA ने गाइडलाइन जो इशू किया है कि कैसे प्रिकॉशन करें, उसको प्रिकॉशन को हमें बरतना चाहिए। लेकिन एक कॉमन आदमी जानना ये जरूर चाहता है कि अगर 6.2 का अगर मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आया है, हाँ? तो इसका नुकसान किस तरह का होता है, कितना नुकसान होता है? अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंटेंसिटी मैप अगर इसका देखिए नियर बाई, अगर यहाँ पर अगर मैं अगर आपको दिखाऊं बैक टू अर्थक्वेक में, तो नुकसान की अगर बात करें तो 6 मैग्नीट्यूड है। अगर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, केवल शेक होगा, लेकिन अगर पुअर क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की संभावना है। अभी इसका जैसे रिपोर्ट अगर हम ये बता रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें कि अगर ये देखा जाए तो 6.2 का अगर इंटेंसिटी मैप देखें हम आपको बताएं, तो ये यहाँ अगर ये अगर इसका लीजेंड देखें तो ये बताता है कि 6 का मतलब स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग में जनरली क्या होता है कि बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं, बिल्डिंग फॉल नहीं होती, 6 का मतलब ये है। अगर काफ़ी अगर डिजास्टर होगा, ड्वेल होगा तो बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो 6 का मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स दरारें आ सकती हैं। और फेल्ट काफ़ी देर तक अगर पास में है, इसके पास है तो काफ़ी देर तक फील होगा। जैसे दिल्ली में
अभी हमारे मंत्रालय में लोग जैसे पैनिक किए तो मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड का फेल्ट हुआ है। तो यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान की संभावना बहुत ही कम है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर है। हाँ मतलब आफ्टर शॉक आते हैं, आफ्टर शॉक इसके आते रहते हैं, जो अभी जैसे हमने आपको बताया कि दो आफ्टर शॉक आ चुके हैं, तो संभावना है जैसे इसके पहले भी जो भी अर्थक्वेक आए हैं नवंबर में या जनवरी में उसके भी आफ्टर शॉक थे, 5-10 रहते हैं, कुछ एक महीने दो महीने में सबसाइड हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो जोन का कितना बड़ा फॉल्ट है, कितना बड़ा रप्चर हुआ, उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि जो भूकंप आया है उसका बड़ा कोई नुकसान नहीं, नुकसान बड़ा नहीं हुआ अभी तक, तो जैसे हमारा जो रिपोर्ट है उसमें तो ये नहीं, जो इंटेंसिटी है वो नहीं दिखा रहा है कि बहुत जान माल का नुकसान हुआ होगा। अब वो जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा वो बताएं, अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसकी जनगणना NDMA करती है, हमें तो केवल अर्थक्वेक का डिसमिनेट करना है कहाँ आया, इसकी इंटेंसिटी क्या है बताना है, तो मैंने अभी पब्लिकली बता दिया। और मीडिया क्योंकि दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरिया में नोएडा और आसपास के एरिया में हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसका कितना असर होता है उस तरह के बिल्डिंग पर अगर बात करें? सेक फील होगा बिल्डिंग, क्योंकि ये नेपाल में अर्थक्वेक है, 400 किलोमीटर दूर है, 500, तो सेक फील होगा। कोई नुकसान का कोई संभावना बहुत ही कम है, नुकसान की संभावना बहुत कम है क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर इसका इंटेंसिटी देखिए दिल्ली में तो काफ़ी कम है, यहाँ देखिए अगर ये देखा जाए तो अगर यहाँ देखा है तो स्लाइटली है, इस रीजन में जो इंटेंसिटी है बहुत ही स्लाइटली है, 3 के करीब, तो केवल सेक फील होगा, नुकसान की संभावना कम है हाई राइज बिल्डिंग में भी।